रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के होटल कृष्णा पैलेस में पिटाई से हुई मनीष गुप्ता के मौत की जांच के लिए कानपुर से एसआईटी गोरखपुर पहुंची और तथ्यों और साक्ष्यों की जांच कर सत्यता को निकालने की कोशिश करेगी कि मनीष गुप्ता की मौत पुलिस के मारने पीटने से हुई या पुलिस द्वारा धक्का देने से गिरकर मौत हुई या पुलिस को देखकर मनीष को गिरने से हुई। जांच होने के बाद ही मामले से पर्दा उठेगा कि मौत किन कारणों से हुई। गौरतलब है कि कानपुर से गोरखपुर दोस्तों संग आए प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता हत्याकांड में गोरखपुर से कानपुर केस ट्रांसफर होने के 24 घंटे के भीतर ही एसआईटी कानपुर की टीम ने यहां गोरखपुर में धावा बोल दिया। तड़के सुबह कानपुर से रवाना हुई टीम शाम 4 बजे गोरखपुर में रामगढ़ताल थाने के समीप स्थित होटल कृष्णा पैलेस पहुंची, जहां मनीष गुप्ता की मौत हुई थी। भारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंची एसआईटी ने सबसे पहले होटल से ही घटना से संबंधित साक्ष्य जुटाने में लगी है। गोरखपुर पहुंचने वाली टीम में कानपुर के एडिशनल डीसीपी साउथ रवीना त्यागी, एडिशनल डीसीपी वेस्ट ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव, इंस्पेक्टर रैंक के 2 पुलिस अधिकारी भी इस टीम में शामिल हैं। फिलहाल एसआईटी तारामंडल रोड स्थित होटल कृष्णा पैलेस पर जांच पड़ताल कर रही है। टीम के साथ यहां सीओ कैंट, रामगढ़ताल पुलिस और एडिशनल एसपी भी शामिल हैं। Thank you.